वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आज मैं अंजलि साहू आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे x माइनस वाई इक्वल टू और 4x प्लस 7y इक्वल 30। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, 4x प्लस 7y इक्वल 30। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों में से किसी एक को x या y के पदों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए आप इक्वेशन नंबर वन को x या y के पदों में व्यक्त करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर y चर पद और चर पद पहले लिखते हैं, इसलिए हम x इक्वल y प्लस 2 लिख सकते हैं। ये बन गया हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम x का जो ये मान है इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख के y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम सेकंड इक्वेशन में x इक्वल y प्लस 2 रखते हैं। तो यहाँ पे 4x की जगह पे y प्लस 2 है, इसलिए y प्लस 2 प्लस 7y इक्वल 30 प्लस 7y इक्वल 30। अब हम 4 इंटू y प्लस 2 यानी कि 4 से y प्लस 2 में गुणा करेंगे। तो 4 से y में करेंगे तो कितना होगा 4y, और 2 में करेंगे तो 8, 4 टू 8 प्लस 7y इक्वल 30 ऐसे लिख लेते हैं। अब हम 7y प्लस 4 सॉरी 4y प्लस 7y को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 11y प्लस 8 इक्वल 30। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11y प्लस 8, 8 को हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 11y इक्वल 30 माइनस 8। अब हम 30 में से 8 को घटाएंगे तो होगा 22 अब यहाँ पे देखिए 11 इंटू में, इसलिए y का मान निकालने के लिए हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 22/11। अब हम इसको काट सकते हैं 11 से, 11 बन जाए 11, 11 टू जाए 22 यानी हमारा आंसर आएगा 2/1। ये हो गया y का मान, यानी कि y इक्वल टू। अब हम y इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में रख के y का मान निकालेंगे, सॉरी x का मान निकालेंगे। अब देखिए मैंने इक्वेशन नंबर वहां से यहाँ नोट किया हुआ है, अब मैं इसमें y का मान रख के x का मान निकालूंगी। तो यहाँ पे x माइनस y इक्वल टू है, टू इक्वल टू। अब x का मान निकालने के लिए हम 2 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 x इक्वल यानी 4, और ये हो गया हमारा 4 का सॉरी x का मान। तो x इक्वल 4 और y इक्वल 2, यह हो गया हमारा समीकरण। और यहाँ पे देखिए थ्री स्टेप में मैंने दिया, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड ये, थर्ड ये। और फिर तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गई थी कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्लीज़।